कलियर से कांग्रेस के विधायक फुरकान अहमद एक बार फिर से चर्चा में। इस बार विधायक पर सरकारी स्कूल के निर्माण के लिए दरगाह के दान के पैसे मांगने का आरोप लगा है। ये मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुका है। कलियर निवासी अनवर जमाल काजमी ने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर गहरी आपत्ति जताई है। काजमी ने विधायक की पैरवी को गैर कानूनी बताया है, उच्च न्यायालय में जाने की धमकी भी दे रहे हैं। वैसे इस बार विधायक ने भी चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को कि जिसमें स्कूल भवन बनाने की बात कही है, साथ ही ये भी लिखा है कि शिक्षा विभाग स्कूल भवन के लिए कोई धन देने से मना कर रहा है। आपको बता दें कि विधायक फुरकान अहमद ने अपने गांव रामपुर में स्कूल भवन के लिए 2 कमरे वक्फ बोर्ड के धन से बनवाने की मांग की थी, जिसके बाद ये सारा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो मुख्यमंत्री तक भी शिकायत पहुंच चुकी है फुरकान की, और ये कहा जा रहा है कि जो भी मांग फुरकान यहाँ पर कर रहे हैं, दरअसल वो मांग कानून संगत नहीं है। दरगाह के फंड से, दरगाह के पैसे से अगर यहाँ कोई डिग्री कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज बनता है तो वो साबिर पाक के नाम पे बने। साबिर पाक की दरगाह के अंडर में वो रहे, साबिर पाक के की दरगाह के प्रबंधन के अंडर में वो रहे, अंदर में काम किया जाए तो हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज में साबिर पाक का पैसा लगाया जाए, ये तो गैर शरई है। हमने स्कूल से जो पैसा मांगा है, सिर्फ यह कि रामपुर में जो कन्या इंटर कॉलेज मंजूर है वो वक्फ बोर्ड की ही जमीन गुलाब सा पीर है, सिर्फ वो वक्फ बोर्ड की गुलाब सा पीर है, उसमें इंटर कॉलेज मंजूर रहा हुआ, उसमें कुछ बजट दे हमने मांग की, इसके अलावा हमने कुछ नहीं कहा। और आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, तो आरिफ थोड़ा विस्तार से बताएं मामला असल में है क्या और कितनी सियासत इसमें है। देखिए, जिस तरीके से कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज सरकार बनाती है और सरकार या शिक्षा विभाग उसके लिए बजट आवंटित करता है, लेकिन जिस तरीके से जो कलियर के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है फुरकान अहमद, उन्होंने बाकायदा कलियर शरीफ दरगाह से इसके लिए धन की मांग की थी, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा था और शिक्षा विभाग को भी लेटर लिखा गया था कि जो धन है वो दरगाह के पैसे से कॉलेज बनवाया जाए। लेकिन इसी को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो उलेमा लोग हैं, वो खासतौर से आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने बाकायदा बहुत नाराजगी जाहिर की है, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। जी आरिफ, यहाँ पर एक बात ये भी कह रहे हैं जो दरगाह से जुड़े लोग हैं कि चलिए अगर आपको दरगाह के पैसे से स्कूल बनाना है तो उसी के नाम पर बनाइए, तो यानी कि यहाँ पर नाम अपना रखना चाहते हैं विधायक और धन दरगाह से लेना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से दरगाह का जो 13 करोड़ के लगभग यहाँ पर पैसा है और उसको लेकर यहाँ पर जो कलियर विधायक है वो ये लगातार कह रहे हैं कि इस पैसे से स्कूल बनाया जाना चाहिए, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो दरगाह के जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि दरगाह के पैसे से जो बाहर से आने वाले जायरीन हैं उनको सुविधाएं दी जाएं, जो दरगाह के जो और काम है वो कराए जाए, लेकिन इससे अगर कहीं और जाके स्कूल बनाया जाए, जो फुकरान अहमद का गाँव है अगर वहां पर स्कूल बनाया जाएगा तो वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा, और इसके लिए बाकायदा धरने प्रदर्शन पर भी लोग उतर जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका जानकारी के लिए। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन करने का बड़ा महत्व है, लेकिन पुलिस जिन लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती है उनकी अस्थियां विसर्जन नहीं करती। इसका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत हुआ है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत कर दी है। मानवाधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक और निदेशक समाज कल्याण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिकायतकर्ता भूपेंद्र कुमार का कहना है कि ये सीधे सीधे धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन है। अच्छा जी, एक लावारिस व्यक्ति जिसका मृत्यु पश्चात दाह संस्कार पुलिस करती है, तो उसके अस्थि विसर्जन किन पुलिसकर्मी द्वारा किया गया और किस बजट से किया गया वो दे दो। तो मेरे को लगभग समस्त जगह से ये सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, अस्थि विसर्जन नहीं किया गया, खुलेआम खिलवाड़ है ये खुलेआम। और इसकी शिकायत मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में समस्त जगह की है। और अजीत कंबोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अजीत, जीते जी जो खिलवाड़ करती है पुलिस कई बार कानून को तोड़कर, वो तो हमने देखा, लेकिन मरने के बाद एक ऐसा शख्स जिसके परिवार का अता पता नहीं है, तो जो क्रियाकर्म यहाँ पर होने चाहिए पूरे वो भी नहीं होते। जिस तरह से एक बड़ा फैसला राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से दिया गया है, नोटिस भेजा गया है पुलिस प्रमुख को और निदेशक समाज कल्याण को, कहीं ना कहीं एक जो अनिश्चितता होती है वो तमाम तरह की चीजें सामने आई हैं। जिस तरह से लावारिस लाशें होती हैं उनका अंतिम संस्कार पुलिस की तरफ से जरूर किया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यता कहती है कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन भी किया जाता है,
किसी महत्वपूर्ण नदी में, चाहे गंगा की बात हो चाहे किसी अन्य नदी की बात हो, वो कहीं नहीं किया जाता, जिसकी शिकायत की गई थी मानवाधिकार आयोग में, और उसके बाद बड़ा फैसला आयोग की तरफ से भेजा गया है नोटिस के तौर पर। अब जवाब देना है पुलिस प्रमुख को, समाज कल्याण के निदेशक को, कि वो क्या व्यवस्था करते हैं, किस तरह से बजट की व्यवस्था की जाती है या कोई अन्य प्रयोग किया जाता है अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन को लेकर। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जानकारी। उत्तराखंड इस वक्त कई तरह के खतरों से जूझ रहा है। आतंकी से दहराने की फिराक में है तो अपराधी इसे महफूज ठिकाना मान रहे हैं। ऐसे में सवाल एक्सपर्ट जांच एजेंसी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स पर उठ रहे हैं। एक्सपर्ट एजेंसी सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि आज तक कोई भी बड़ा संगठित अपराध के मामले में अकेले एसटीएफ कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। नए अलर्ट तो छोड़ दीजिए, जो पुराने मामले उसकी जाँच में भी एसटीएफ की चाल बेहद सुस्त है। देश बढ़ते आईएसआईएस कनेक्शन और उत्तराखंड से हुई गिरफ्तारियों के बीच ये एजेंसियां केवल वन्यजीव तस्करों को पकड़ने तक सिमट गई है। हालांकि डीजीपी बीएस सिद्धू इसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। डीजीपी के मुताबिक आईएस से जुड़े संदिग्धों की अरेस्टिंग में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका काफी अहम थी। एक एजेंसी की सक्सेस जो है वो दूसरी एजेंसी की फेलियर है। अगर हम इस टाइप का वातावरण डेवलप करेंगे तो वो निश्चित रूप से हमारी ओवरऑल व्यवस्था के हित में नहीं है। ओरिजिनल डेवलपमेंट किसी भी इंटेलिजेंस इनपुट की करने के लिए कोई भी संस्था कर ले, मुख्य चीज़ उसमें ये होती है कि बाद में सबने अपना अपना योगदान उसमें दिया या नहीं दिया। सवाल उसका नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन कहीं पर पहले कहाँ डेवलप हुई, सवाल इस चीज़ का है कि डेवलप होने के बाद सबने किस प्रकार का उसमें योगदान दिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए सनसनी फैलाकर वाहवाही लूटने वाली राज्य की पुलिस आखिर तकनीकी तौर पर दक्ष कब होगी? राज्य की एसटीएफ जैसी महत्वपूर्ण एजेंसी की विफलता कई सवालों को जन्म देती है, वो भी तब जबकि पश्चिमी यूपी सीधे तौर पर राज्य को प्रभावित कर रहा है। क्या अफसरों के पास समीक्षा का वक्त नहीं है या वो इसे जरूरी नहीं समझते? कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, देहरादून समाचार प्लस। दिल्ली पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समाचार प्लस से मन की बात साझा की। सीएम ने सबसे पहले महात्मा गांधी को याद किया और फिर गंगा स्वच्छता के मुद्दे पर बातचीत की। इसके अलावा कुछ और अहम मसलों पर मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई उसके अंश कुछ आपको दिखाते हैं। गंगा को लेकर वार्ता हुई है जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कई सवाल उठाए केंद्र सरकार को लेकर। रावत जी, क्या क्या सवाल उठाए गए हैं आपकी तरफ से? क्या वाकई केंद्र सरकार ठीक से काम कर रही है? जब तक आप जल संभरण की योजनाओं पर वहाँ गौर नहीं करेंगे और ये ई फ्लो के नाम पर जो है जलाशयों आदि का विरोध जारी रहेगा, जिस तरह जब तक एक नीतिगत अस्वस्थता रहेगी तो इससे नुकसान हो रहा है। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि हमेशा उत्तराखंड की पनबिजली परियोजनाओं को लेकर सवाल उठाया जाता है, क्या आप ये भी अपील करेंगे कि जब कोई भरपाई होनी चाहिए, खर्चों की भरपाई होनी चाहिए ताकि विकास अवरुद्ध न हो राज्य? मैंने इसीलिए कहा कि हमसे ये न करो, वो न करो, यह न करो तो सब कह रहे हैं, लेकिन हम करें क्या ये कोई हमको बता नहीं रहा और उसमें हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। देहरादून में बन रहे दून मेडिकल कॉलेज को अभी मान्यता भले ही ना मिली हो, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग अधूरी तैयारियों के बीच इसके लोकार्पण की जल्दबाजी में है। शायद ये चुनावी साल की बेताबी हो सकती है कि खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हरीश रावत से देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कराएंगे, जबकि विभाग ने तो न अभी आवश्यकता के अनुसार स्टाफ रखा है, न ही निर्माण कार्य ही पूरे हो पाए हैं। तो ऐसे में सियासत शुरू होनी थी और हो भी गई है। बीजेपी नेता कहते हैं कि 2017 चुनाव को देखते हुए नियमों के खिलाफ काम हो रहा है और बीजेपी इसका विरोध करने में पीछे नहीं रहेगी। मैंने टेंटेटिव 10 फरवरी को मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है। उनकी तिथि 10 तारीख को मिलती है या 10 के आसपास उनके माननीय मुख्यमंत्री की तिथि मिलना तय है, लेकिन हमने ये तय कर दिया है कि 10 फरवरी के आसपास माननीय मुख्यमंत्री के हाथों हम दून मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कराने के लिए पूरी तैयारी लगे हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज अभी आधा अधूरा है, लगातार अभी बिल्डिंग का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर उसको उसमें अपॉइंटमेंट शुरू कर दी है और अन्य व्यवस्थाएं हो रही हैं तो ये तो बहुत गलत है। ये तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे आज राज्य सरकार 2017 को देखकर बहुत तेजी में है। हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन प्रभाग में नॉर्थ इंडिया की पहली ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो गया है। इस ग्रीन बिल्डिंग को डीएफओ कार्यालय के रूप में बनाया गया है।
इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट की ये पूरे उत्तर भारत की अपनी तरह की पहली सरकारी इमारत है। जल्द इस बिल्डिंग का शुभारंभ मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे। ये बिल्डिंग ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि इसकी खूबियां और भी ज्यादा बेमिसाल है। ये इको फ्रेंडली है यानी कि इससे पर्यावरण को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसके निर्माण की सामग्री मिजोरम से मंगाई गई। इस भवन की दीवारों में बॉक्स की 64 लेयर लगाई गई है जिसे किसी भी आरी से काट पाना मुश्किल होगा। इस भवन के अगले 50 साल के लिए कार्बन लॉकिंग की गई है और आपको ये भी बता दें सबसे खास बात कि ये भवन भूकंप रोधी है। अगर ऐसे में कभी भूकंप आता है तो इस भवन को, इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। जो नेक्टर संस्था है भारत सरकार की, उनके द्वारा एक अप्रूव्ड एक मटेरियल हमने यहाँ यूज़ किया है और 50 से 60 साल तक जो है ये मटेरियल कार्बन लॉकिंग के रूप में जो है बना रहेगा। तो जो लोकल कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसको एक प्रोत्साहन भी इससे मिल जाएगा। तो यही इसकी मेजर खूबियाँ है और ये संभवतः उत्तराखंड की ऐसी पहला इको फ्रेंडली ग्रीन मटेरियल बनाने का हमारा प्रयास था। और खबर रामनगर से, जहां के टेढ़ा गांव में खुद को आग लगाने वाले बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। 90% तक झुलसे बच्चे को सुशीला तिवारी अस्पताल से अब दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। 10 साल के रोहित ने खुद को आग लगा ली थी। आग इसलिए लगाई क्योंकि माँ से रोहित नए जूते की जिद कर रहा था और रोहित माँ के बाजार पत्तल बेचने जाते ही खुद को आग लगा ली क्योंकि माँ के पास शायद इतनी रकम नहीं थी कि वो तुरंत उसे जूते खरीद कर देती और उसकी माँ पत्तल बेचने का काम करती है। तो जब वो बाजार गई तभी रोहित ने खुद को आग के हवाले कर दिया। पिछले दिनों कोटद्वार में वन्य जीव तस्करों से गुलदार की 7 खाले बरामद होने से राज्य में वन्य जीव सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में वन महकमा वन्य जीव तस्करों पर लगाम लगाने के लिए कई कड़े कदम उठाने की बात तो कर रहा है, सवाल अब भी वहीं बना हुआ है कि कहीं इस बार भी दावे पहले की तरह हवा हवाई तो साबित नहीं होंगे। वन्य जीवों की सुरक्षा जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी ही चुनौती भी। वन महकमा सुरक्षा के दावे तो करता है लेकिन कोटद्वार में बरामद हुई गुलदारों की 7 खालों ने साबित कर दिया कि वन्य जीव सुरक्षा में बड़ी चूक हो रही है। गुलदारों की खाल बरामद होने से साफ है कि वन महकमे का विजिलेंस सेल और फील्ड स्टाफ गंभीर कोताही बरत रहा है। अब फजीहत हुई तो वन विभाग भी जाग गया है। वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 90 रातें और 120 दिन वन क्षेत्र में बिताने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ 5 सदस्य कमेटी गठित कर पोचिंग के बढ़ते मामलों के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। सिस्टम को विजिलेंस के और पुलिस से भी इसको टाइप करेंगे। 1 तारीख को मैं इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहा हूं जिसमें हम एक्साइज को, पुलिस को और वन विभाग को सबको टाइप करेंगे। वन मंत्री की फटकार के बाद अब वन विभाग के आला अधिकारी भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव का कहना है कि अब वन क्षेत्रों के बाहर के स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे तस्करों पर लगाम लगाने में मदद मिले। हम लोगों ने इंटेलिजेंस नेटवर्क और उसके अलावा वहां पर लंबी गश्त करने के लिए तथा जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट स्टाफ है, वाइल्ड लाइफ का स्टाफ तो ट्रेंड है, उनके स्पेशल ट्रेनिंग अभियान हम स्टार्ट कर रहे हैं। वन मंत्री और PCCF विजिलेंस बेहतरी की बातें कर रहे हैं लेकिन एंटी पोचिंग सेल में केवल 1 अधिकारी की तैनाती है। ऐसे में वन्य जीव तस्करों पर लगातार नजर कैसे रखी जाएगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसा पहली बार नहीं है जब वन्य जीव तस्करी का कोई बड़ा मामला सामने आया हो और वन विभाग ने कड़े कदम उठाने के दावे किए हों, लेकिन सवाल ये है कि संसाधनों की कमी से जूझता महकमा कैसे इन दावों पर खरा उतर पाएगा। कैमरामैन गौरव पंत के साथ में प्रशांत राय, समाचार प्लस, देहरादून। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। देवाल थराली के साथ घाट ब्लॉक में भी खूब बर्फ गिर रही है जिसके चलते एक बार फिर से पारा लुढ़क गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है जिसने खासतौर से काश्तकारों के चेहरे खिला दिए हैं क्योंकि अब तक जो शुष्क ठंड पड़ रही थी उसका नुकसान सबसे ज्यादा खेती पर पड़ रहा था। पहाड़ों के साथ साथ सड़कों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है जिसके चलते तापमान 6 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान जताया था तो वो भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। मौसम का बदलता मिजाज पहाड़ों में सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है और यही वजह है कि बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक फिर से पहाड़ों का रुख करने लगे हैं।
भी है जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट आई है। हालांकि इस बर्फबारी और बारिश के चलते काश्तकारों को खासा फायदा पहुंचा है, वहीं पर्यटन व्यवसाय को भी इससे लाभ माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई थी उससे पूरे जो हालात है वो सामान्य है। सुरेंद्र रावत, समाचार प्लस, चमोली। और वे उत्तरकाशी की पहाड़ियों में भी नजारा कुछ ऐसा ही है, मानो किसी ने बर्फ की सफेद चादर इन पहाड़ियों को ढका दी हो। ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है तो जो यहां के रहने वाले आम निवासी उनके कामकाज पर असर जरूर पड़ रहा है। दर्जनों गांव का संपर्क जिला और तहसील मुख्यालय से कट गया है। सुखी टॉप से आगे भारी बर्फबारी हुई है, लोग कई जगह फंसे हुए हैं। सुखी टॉप से हर्षिल के बीच भी लोग फंसे हैं। वहीं निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते ठंड बढ़ गई। अचानक ये बर्फ पड़ गई है। हम सुबह 10 बजे डोंगरगढ़ से चले हैं, काफ़ी गाड़ियां फंस चुकी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। सुबह से 10 बजे से स्टार्ट हो गई थी बर्फ़ पड़ना, करीबन चार पाँच घंटे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ अचानक पड़ी है बर्फ़, हमें विश्वास ही नहीं था कि ऐसी बर्फ़ पड़ेगी। और क्या करें, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, पीछे गाड़ियाँ फंसी हुई है। तो मौसम की भविष्यवाणी थी मौसम विभाग की, जो सही साबित हुई। अभी आगे और ऐसा ही मौसम रहेगा क्योंकि मौसम विभाग ने अभी और अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में बर्फबारी होगी अभी आगे और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। कपकोट तहसील प्रशासन चौकन्ना है। जिले की दुर्गम तहसील कपकोट में आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रशासन और SDRF की टीमों को भी अलर्ट कर दिया है। चेतावनी दी गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा समस्त क्षेत्र के तहसील और जो हाई एल्टीट्यूड के हैं उन संबंध में समस्त विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहां पर जो भी अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो तत्काल मौके पर जाकर के राहत कार्य वगैरह की कार्रवाई प्रारंभ कर दें।